वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। आज का जो है टॉपिक देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस पर है। यस, तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। आज है 1 मई, लेबर डे। यस, लेबर डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो आज जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, मैं बस वही ट्राई करूँगी इस वीडियो पे कवर करने का। और मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगी, अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगी। तो बस मैंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है और जो भी है हम लोगों ने घर पे ही बनाया है। वैसे जब बर्थडे होता है तो हम लोग जो है बाहर जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स वगैरह को हम घर पे इनवाइट करते हैं, तो सब लोग मिलजुल कर बर्थडे करते हैं। और मैं तो उस टाइप की हूँ कि अगर घर में जिस दिन बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन, जब तक मेरे 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठे ना हो ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता है। मतलब अधूरा अधूरा लगता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं चुप चुप के बर्थडे बना लूँ और बस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना। बट इस समय तो लॉकडाउन है और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रही। हमें घर पे ही रहना है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और हमें कैसे मैनेज करना है। अब तो आदत पड़ गई है। शुरुआत में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, शुरुआत में कुछ अजीब सा लगता था कि कैसे रहेंगे, कैसे होगा, बट अब तो आदत पड़ गई है घर में रहने की। अब मन नहीं करता है बाहर जाने का। और आई होप ये सारी जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ख़त्म हो, ये जो पैंडमिक है ये जल्दी ख़त्म हो और हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ पाएँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आएगा। अरे फ्रिज खोल के आ गए भाई, इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा, पेपर तो मिसिंग है। ये कैसा गिफ्ट है हमारा जो मिसिंग हो गया। वाओ मिस्टी, थैंक यू। इसमें मेरा वॉच रखेगा ना? I'll keep it my watch. ये वॉच का पाउच बना है इसमें। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। ओके, थैंक यू मनन, थैंक यू फॉर ग्रीटिंग। वाओ, मिस्टी ने मुझे पाउच दिया है और मनन ने मुझे ग्रीटिंग दिया है। ओके, नाउ 20। हां, कितने इयर्स के? अच्छा बेटा, अब मैं 25 इयर्स का हो गया हूं। कितने इयर्स के पापा? नहीं, 30 बोलता हूँ। नाउ मैं 30 इयर्स का हो गया हूँ। 30? मैडम कितने इयर्स के पापा? 30 इयर्स। हाँ, पता चल गया तुमको। सुबह का जो है ब्रेकफास्ट हो चुका है हम लोग का और अब गिफ्ट का आदान प्रदान भी हो चुका है, आप देख चुके हैं। उसके बाद अभी जो है मैं केक बनाऊंगी और यहाँ पर मैंने केक जो है ये बहुत ही यमी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मैंने इसका डिटेल वीडियो जो है वो भी अपने चैनल पर डाला है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जब तक मेरा केक रेडी होता है तब तक मैं नान का आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि इसको फर्मेंट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैं गूंद के रख दूंगी और मुझे ये नान जो है वो शाम को बनानी है। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन कर लेती हूँ। ज़्यादा सामान तो था नहीं हमारे पास, जितना भी था बस मैंने उसमें ही डेकोरेट किया है। लॉकडाउन है, कहीं आप जा नहीं सकते हो, जितना भी आपके पास बचा खुचा है बस उसी से काम चलाना है, वो वाली बात है। तो बस यहाँ पे हम डेकोरेशन कर लेंगे अपनी। दोपहर के खाने का वीडियो जो है वो मिस हो गया है और शाम हो चुकी है। अब हम यहाँ पर केक कटिंग करने जा रहे हैं। टेबल रेडी हो गया है, वी आर रेडी फॉर रॉक। बहुत दिनों बाद हम लोग पार्टी करेंगे और बहुत ही मज़े आने वाले हैं हम लोग को, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो है वो हमेशा ये बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पनीर बनाती हूँ ना वो हमेशा हमेशा गड़बड़ी बनता है। मुझे पनीर कभी अच्छा बना ही नहीं है आज तक, तो अब क्या बनेगा। तो अभी हम बनाएंगे तंदूरी पनीर
क्या बना रहे? पनीर टिक्का मसाला। अच्छा पनीर टिक्का मसाला और नान मैं बनाऊंगी, पनीर टिक्का मसाला ये बना रहे हैं। मेरे चेहरे में से बड़े सारे पिंपल्स हो रहे हैं, आप लोग को भी हो रहे हैं क्या? यार मैंने काफ़ी सारी फ्रेंड्स से बात करती रहती हूँ, वो सब लोग बोलते हैं कि उन सब लोगों के फेस में पिंपल हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। आप लोग के भी हो रहे हैं या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा तो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। बट ये पता नहीं, ये देखिए यहाँ पर, ये तो ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा सा था तो बहुत ही चला ही गया समझिए, पहले तो मेरे फेस में एक भी नहीं था, आपको बहुत हो गया। खैर अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी डाल दी है और ऑसम पनीर टिक्का बन रहा है। हाँ तो आज आपका बर्थडे, आपको कैसा लग रहा है? लॉकडाउन में नॉर्मल। और वैसे काम रहता है। तो कहाँ से काम रहता है? लेबर डे के दिन तो सभी को छुट्टी रहती है। हाँ तो मतलब थोड़ा डिफरेंट रहता है ना, ऑफिस जाता, आज के दिन ऑफिस नहीं जाता तो थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, अभी रोज तो घर पे ही। ओके सही है। और केक कैसा था? केक बढ़िया मस्त। टेस्ट अच्छा था? मस्त था। ओके और कैसा आज का सारा दिन कैसा रहा, क्या क्या किया? दो पिक्चरें देखी, मूवीज देखी। ओके और एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी, हनी मनी हिस्ट। और सुबह सुबह तुमने बढ़िया सा ब्रेड पकौड़े बनाए थे, वो खाए। आज कोई राइटिंग नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, मेरी बदन में भी थोड़ा सा दर्द है। मेरे 10,000 स्टेप आज नहीं हुए। खैर आज कोई प्लान ही नहीं है। प्लान ही नहीं है मतलब आज 10,000 स्टेप नहीं करोगे? ओके गर्दन भी दुखी हुई है। तो सोए क्यों थे टेढ़े? अब सोते वक्त थोड़ी ना किसी को याद रहता है, देखो इसको चलाना है, ये पीछे रख दिया काम करने को सुनो। हां पूछते रहो, मैं इसको थोड़ा सा चला दूंगा। चला देना तो मतलब क्या, पलटना है? ऐसे थोड़ी ना कि चला देना है। हां मतलब पलटना है, लेकिन ये हम वैसा थोड़ी ना खाने जा रहे हैं, इसको अभी उसमें डालेंगे। ओके तो मतलब चलता है थोड़ा सा। ओके 12 मिनट बाद फिर से इसको लगाएंगे। ये कौन सा लगा रखा था? ऑटो लगा रखा है? ऑटो नहीं लगा है, ये एक्चुअली लगा है इंडियन रेसिपी में पनीर टिक्का का। ओके तो पनीर टिक्का हमेशा ये बनाते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है पनीर टिक्का बनाना। मतलब मैं पनीर की मतलब मैं कितना भी अच्छा खाना बना दूँ, लेकिन अगर मुझे पनीर बनाने के लिए बोला जाए ना तो मैं तो मतलब गड़बड़ करती ही। हमारी जो करी है वो रेडी हो गई है, अब मेरा नंबर है नान बनाने का, तो मैं यहाँ पर नान बना रही हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि किस तरीके से नान बनाते हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी नान बनती है। पहले जो मैंने आटा गूंदा था उसको मैं इस तरीके से बेल लूँगी और यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जो ऊपर जो साइड है ना मैं वहाँ पर पानी लगाऊंगी। और ऑलरेडी ये जो नान है बनके रेडी हो गई है, उसको मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो पानी लगा वाला हिस्सा है इसको मैं इस तरीके से करूँगी और तवे में डाल दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से उल्टा तवा करते हैं, उसके बाद नान को सेकते हैं और ये बहुत ही अच्छी नान बनती है। घर में जो है रेस्टोरेंट में जो है 10-15 मिनट में ही जो आपकी नान होती है इतनी टाइट और खिंची खिंची सी बनती है, बट ये वाली जो नान है ये बहुत ही अच्छी और यमी बनती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नान बनकर आई है। और ये जो नान है ये ना आप जब घर में जो बनाते हैं उसको जब आप तोड़ते हैं ना तब भी बहुत ही सॉफ्ट रहती है, ऐसा खींचे खींचा सा नहीं रहता है। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इस नान को। और एज़ यूज़ुअल मेरे हस्बैंड और बच्चे को जो है वो खाना खा रहे हैं और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उस पर वीडियो बनाने का। और अब मेरा नंबर है, मैं खाना खाती हूं। बर्थडे ओवर हो गया है, खाना हम लोगों ने खा लिया है, पूरा घर क्लीन कर दिया है, बस अब हम सोने जा रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग था वो बस यहीं तक था। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। हाँ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।